प्रशासन प्रधानमंत्री मोदी के चलाए जा रहे सफाई अभियान के प्रति कितना गंभीर है, इसे तिलक नगर में देखा जा सकता है, जहां जगह जगह पर कूड़े के ढेर पड़े हैं, जिससे इलाके में बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। पश्चिमी दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जमकर चूना लगाया जा रहा है। तिलक नगर पार्क के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इस रोड से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। वहीं गणेश नगर से 20 ब्लॉक जाने वाले रास्ते पर भी कूड़े के ढेर हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने इसकी शिकायत इलाके में रहने वाले बीजेपी से दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर से की। इसके बाद राजीव बब्बर ने खुद ही इलाके का दौरा किया। राजीव बब्बर के मुताबिक कई बार शिकायतों के बाद भी तिलक नगर में आज भी कई जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिस पर न तो स्थानीय आप पार्टी से निगम पार्षद न ही विधायक इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। कूड़े के ढेर बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन जो हालात जो पहाड़ कूड़े के तिलक नगर में बन रहे हैं, ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं। आप गणेशदास खत्री मार्ग से शुरू करें, जहाँ 23-24 ब्लॉक है, पूरा कूड़े से भरा हुआ है। और ये जो सड़क जहाँ खड़े हैं, ये तिलक विहार से महावीर नगर की तरफ भी जाती है, ये भी पूरी तरीके से यहाँ भी कूड़े के भंडार है। और इसका कारण यह है कि पिछले 1.5 महीने से लगभग सफाई जो है वो तिलक नगर में पूरी की पूरी चरमरा गई है। हमें लग रहा है कि अब हमें सफाई के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा इस सरकार के लिए। ये झूठी सरकार, केजरीवाल की सरकार जो है, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में काम करना चाहती है। जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, विकास भी रुक गया, और विकास तो छोड़िए सफाई भी रुक गई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता रेणु का कहना है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चला रखा है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली के तिलक नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। कूड़े से गंदी बदबू आने के कारण लोगों का निकलना दुश्वार है, क्योंकि इस भयंकर बदबू और गंदगी से कभी भी महामारी फैल सकती है। जब से तिलक नगर में आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद बने हैं, तब से तिलक नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। यहाँ के निगम पार्षद और क्या जर्नैल जी को ये सब चीजें नहीं दिखाई देती कि किस तरह से गंदगी का ढेर होकर रह गया है? आप देख रहे हैं बारिशों के दिन है, किस तरीके से मच्छर मलेरिया ऐसी ऐसी बीमारियां पनपती हैं जो बच्चों को, हम आप जन को जन जन को जो प्रभावित करती हैं। तो ये सब चीजें देखकर सच में बहुत बुरा लगता है कि क्या नेतागणों को ये सब चीजें नहीं दिखाई देती। उनका वक्त हो गया 11:30 बजे तक, क्या कोई कर्मचारी यहाँ सफाई करने के लिए आपको नजर आया? अगर नजर आया होता तो क्या ये हाल होता? क्योंकि इस तरीके से गंदगी का ढेर बनकर आ गया, क्योंकि ये कर्मचारियों को शायद धमका रहे हैं, उसी वजह से वो काम पर नहीं आ रहे। वहीं अब स्थानीय लोगों को डर सता रहा है कि कहीं इस गंदगी और कूड़े के ढेर से इलाके में महामारी न फैल जाए। ऐसे में अब बीजेपी नेता भी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने से नहीं चूक रहे और इलाके में जाकर गंदगी का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सफाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद टूटे और इलाके में सफाई हो। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से ओपी शर्मा की रिपोर्ट।